हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजश्री है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, ये पेपर हम पढ़ रहे हैं बीए सेकंड ईयर में, और इसमें पहले वीडियोस में हम काफ़ी सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसके पहले जस्ट पहले हमने पढ़ा था कि सल्तनत काल की सामाजिक स्थिति क्या थी। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल की आर्थिक स्थिति कैसी थी। किसी भी काल की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके जो आधार बिंदु होते हैं वो होते हैं आपका कृषि, दूसरा उद्योग धंधे, तीसरा आपका व्यापार वाणिज्य। ठीक है, पशुपालन भी कृषि से जुड़ा हुआ ही एक आयाम है। तो हम बात करेंगे उस काल के जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदु थे, उसमें जो प्रमुख था वो है कृषि। ये बात हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि भारत प्रारंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है। ठीक है, भारत में जितने भी जो जनसंख्या रहती है वो अधिकतर गांवों में निवास करती है, और जो गांवों का प्रमुख जो साधन है आय का वो क्या है, कृषि। उस काल में भी जिसमें हम बात कर रहे हैं अर्थात सल्तनत काल में भी आय का प्रमुख साधन क्या था, कृषि था। उस समय भी कृषि वर्षा पर निर्भर करती थी। आज भी हम देखते हैं कि जो खरीफ की फसल होती है, जो रबी की फसल होती है, उसमें हमारी वर्षा पर निर्भरता अधिक मात्रा में होती है। तो उस प्रकार उस काल में भी जो नहरें थी उनकी संख्या कम थी, और वर्षा का जो था उसी पर अधिकांश जो जनसंख्या थी वो निर्भर थी। वर्षा के पानी से ही कृषि की जाती थी। ठीक है, जो खेती थी उसका जो तरीका था वो पारंपरिक था, अर्थात पुराना था, अर्थात हल, कसी, कुर्फी, पटेला आदि के द्वारा कृषि की जाती थी। कृषि में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नहरें बहुत कम संख्या में थी। आपको पता कि गयासुद्दीन तुगलक ने भी नहरों का निर्माण करवाया, इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने भी अनेक नहरों का निर्माण करवाया, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ नहीं थी वहाँ नहरें भी नहीं थी। इसलिए जो खेती थी वो वर्षा पर अधिक निर्भर करती थी। हम देखते हैं जो उस समय की जो कृषि उपजे थी वो क्या क्या थी। कृषि उपज का मतलब होता है कि उस समय क्या क्या खेती में क्या क्या फसलें बोई जाती थी। तो प्रमुख जो फसलें थी उनमें आपका है गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, मटर, तिलहन, गन्ना, रुई अर्थात कपास आदि थी। इसी प्रकार हम अगर फलों की बात करें तो देखते हैं कि आम, अंगूर, अनार, केले, खरबूजा, नींबू, जामुन आदि भी फलों उस समय फलों की उपजे की जाती थी। इसी प्रकार जड़ी बूटियां होती थी जिनका औषधीय प्रयोग होता था। इसी प्रकार सुगंधित लकड़ियों का भी प्रयोग किया जाता था। इन सब का भारत में इनकी उपज की जाती थी। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने काल में अनेक बाग लगवाए थे जहां भांति भांति के पुष्प खिलते थे। अमीर खुसरो और मलिक मुहम्मद जायसी ने भी जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों में यहाँ के जो पुष्प थे उनका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो ये तो बात होती है आपकी जो कृषि की। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है वो आता है उद्योग। उस समय जो उद्योग थे वो अधिकतर कुटीर उद्योग थे। कुटीर उद्योग क्या इसे कहते हैं, जो सीमित क्षेत्र में एक परिवार में रहकर जो उद्योग धंधे चलाए जाते थे उनको कुटीर उद्योग कहते हैं। इसके अलावा जो राजसी जो चीज़ें थी उनके उत्पादन के लिए जो प्रमुख शहर होते थे वहाँ अनेक कारखाने लगे होते थे जहाँ बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। जैसे जो महत्वपूर्ण उद्योग थे उनकी हम बात करें तो उसमें प्रमुख नाम आते हैं आपके वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, शक्कर उद्योग, नील, कागज उद्योग और संगतराशी का उद्योग। ये सभी उद्योग उस समय प्रचलित थे। सुल्तानों एवं सूबेदारों द्वारा संचालित उद्योग कारखाने कहलाते थे। समझ में आए, जहाँ जो सूबेदार और सुल्तान जो उद्योग संचालित करते थे उन्हें कारखाने कहा जाता था। दिल्ली के शाही कारखानों में रेशमी माल तैयार करने के लिए 4000 बुनकरों को लगाया गया था। इसी प्रकार हम उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हरम की महिलाओं के लिए 4000 कारीगर जरदोजी का काम करने के लिए लगाए थे। जरदोजी मतलब जो रेशमी वस्त्रों पर जो सितारों का काम किया जाता है, जो जरी से जो वर्क किया जाता है उसको जरदोजी का काम कहते हैं। ठीक है, जो राजसी सामान की जो प्रमुख वस्तुएं थी उनका उत्पादन इन सब में किया जाता था। प्राचीन काल में जो भारत में है तो वहाँ वस्त्र उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है।
वस्त्र उद्योग में हम देखते हैं कि इसमें सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और रेशमी कपड़े तीनों का ही उत्पादन भारत में होता था। पूरे देश में जो कपास था वो बहुत अधिक मात्रा में पैदा किया जाता था। बंगाल में रेशम के कीड़े पाले जाते थे, ठीक है। इसके अलावा जो वस्त्र उद्योग से संबंधित जो दूसरे उद्योग थे, जैसे कशीदाकारी का काम, सोने की जरी का काम, रंगाई छपाई का काम आदि भी भारत के अनेक नगरों में किया जाता था, ठीक है। देवगिरी के कपड़े के बारे में कहा गया है कि यह 100 गज कपड़ा सुई के छिद्र से निकाला जा सकता था, फिर भी इतना मजबूत था कि सुई उसे छेद नहीं सकती थी। ये बात किसने की है? ये बात अमीर खुसरो ने की है यहाँ के कपड़े के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ के कपड़ों की न केवल अमीर खुसरो ने प्रशंसा की है, अपितु उस समय जो भी विदेशी यात्री आए, जैसे बारबोसा, बर्थेमा, माउन आदि ने भी बंगाल में जो सूती वस्त्र थे उनकी अच्छी क्या की है, उनकी बड़ाई की है और उनकी तुलना की है कि विश्व में कहीं भी ऐसे कपड़े नहीं मिलते थे। दूसरा आता है आपका धातु उद्योग। भारत में देखते हैं कि लोहा, पारा, सीसा की खाने पाई जाती थी। अबुल फजल ने भी लिखा है कि भारतीय धातु के कारीगर लोहे, पीतल आदि के प्रयोग जानते थे। जो भारत की जो निर्मित जो तलवारें थी, जो कटारें थी, वो अन्य देशों में भी क्या थी, लोकप्रिय थे। जो बरबोसा था, जो विदेशी यात्री था, उसने भी गुजरात के स्वर्णकारों की कला की क्या की है, पर्याप्त विवरण दिया है और उसकी प्रशंसा की है, ठीक है। तो देखते हैं कि भारत में धातु उद्योग भी बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित था। फिर आपका आता है कि पत्थर और ईंट का कार्य, ठीक है। यहाँ के जो लोग थे वो पत्थर और ईंट के काम में भी काफ़ी निपुण थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 70,000 कारीगरों को सरकारी इमारतें बनाने के काम में लगाया था, ठीक है। इसी प्रकार अमीर खुसरो के अनुसार भारतीय शिल्पियों की कारीगरी मुस्लिम देशों के कारीगरी की कला से काफ़ी उन्नत थी। उस काल में कागज़ और चमड़े के छोटे छोटे कारखाने भी मिले हैं। तो हम देखते हैं इसके अलावा शक्कर उद्योग, जो आपके गुड़ से जो गुड़ बनता है, जिस किसे बनता है आपके गन्ने से, यह भी काफ़ी प्रचलित था। नील का उद्योग, नील सूती वस्त्रों को रंगने में काम किया जाता था, इसका काफ़ी मात्रा में निर्यात भी किया जाता था। तो हम देखते हैं कि उस काल में जो उद्योग धंधे थे उनका भी महत्वपूर्ण रूप से विकास हो चुका था। अगला जो पॉइंट आपका आता है आर्थिक दशा में, जो हम पढ़ते हैं वो है कि उस काल का व्यापार वाणिज्य कैसा था। हम पढ़ते हैं कि उस काल का जो व्यापार था वो उन्नत दशा में था, ठीक है। चाहे वो आंतरिक व्यापार हो, चाहे वो विदेशी व्यापार हो, दोनों ही महत्वपूर्ण रूप से प्रचलित थे। आंतरिक व्यापार से मेरा तात्पर्य है कि जो भारत की सीमा में, जो सल्तनत की सीमा के अंतर्गत राज्यों में होता था, उसको आंतरिक व्यापार कहते थे। और सल्तनत के अधीन जो राज्य नहीं थे उनके साथ जो व्यापार किया जाता था वो क्या था, विदेश व्यापार था। ये जो व्यापार था वो थल मार्ग और जल मार्ग दोनों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। जो प्रमुख रूप से जो भारत विदेश व्यापार में जुड़ा हुआ था जिन देशों से, वो हैं आपके अफगानिस्तान, ईरान, चीन, मलाया, प्रशांत महासागर के द्वीप आदि से भारत का विदेश व्यापार होता था। और ये व्यापार किसके द्वारा होता था, ये कालीकट और भड़ोच जो दो प्रमुख बंदरगाह थे, इनके द्वारा आपका ये जो व्यापार होता था। अब हम देखते हैं कि भारत का जो विदेशी व्यापार था वो भी काफ़ी उन्नत दशा में था। भारत से जो विदेशों को जो चीज़ें भेजी जाती थी, अर्थात जो निर्यात की जाती थी, वो थी सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, अफीम, नील, जस्ता, खाद्यान्न, इत्र, धूप, चंदन, हाथीदांत की वस्तुएं, अनेक औषधियां, ये भारत से विदेशों को निर्यात की जाती थी, ठीक है। इसके अलावा जो भारत जो आयात करता था, अर्थात जो बाहर भारत से मंगाता था, वो था स्वर्ण और अरबी घोड़े, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय भारत का जो निर्यात था वो आयात से काफ़ी अधिक मात्रा में था। ये एक आर्थिक भारत की संपन्नता का सूचक है। लेकिन उस समय व्यापारियों पर इतने अधिक कर लगाए जाते थे कि उन्हें बहुत कम मुनाफा हो पाता था, इसलिए व्यापारी वर्ग इतना उन्नत नहीं हो पाया। लेकिन हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं पूरे मूल्यांकन की, तो देखते हैं कि उस काल में व्यापार वाणिज्य की स्थिति भी महत्वपूर्ण थी। तो हम जब बात करते हैं
अर्थव्यवस्था की जो सल्तनत काल में प्रचलित थी, जिसका अपन ने ऊपर डिस्कस किया है कि इस काल में कृषि व्यवस्था क्या थी, उद्योग धंधे किस प्रकार थे या व्यापार वाणिज्य किस प्रकार था, तो इससे हम ये सारांश निकाल सकते हैं कि उस काल की जो आर्थिक दशा थी वो काफ़ी ठीक थी। ठीक है, न केवल कृषि क्षेत्र में अपितु उद्योगों में भी, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, आपके कागज उद्योग, आपके चमड़ा के संबंधित उद्योग काफ़ी उन्नत मात्रा में थे। और न केवल इन चीज़ों का व्यापार देश में किया जाता था, अपितु विदेश में होकर भी इनसे व्यापार किया जाता था। ये विदेशी व्यापार जिन देशों से थलमार्ग थे वो थलमार्ग से जुड़े हुए थे, जैसे कि मुल्तान और कश्मीर होकर एशियाई देशों से थलमार्ग जुड़ा हुआ था। उसी प्रकार जो बाकी जो देश थे, जैसे आपके जो छोटे बड़े देश हैं, वो बंदरगाहों से जुड़े हुए थे, तो भारत की वस्तुएं वहाँ जाती थी और वहाँ की वस्तुएं भारत लाई जाती थी। तो हम देखते हैं कि जो सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था थी वो ठीक थी, और उस काल में जो मनुष्य था वो अच्छी आय प्राप्त करता था। लेकिन चूंकि उस समय निरंकुश शासक था, अधिकांश आबादी हिंदू थी, और आक्रमणकारी या जो सल्तनत में थे वो थे मुस्लिम थे, तो इन जनता पर अनेक प्रकार के कर लगा दिए गए थे और जनता से अधिक मात्रा में धन इकट्ठा कर लिया जाता था। इसलिए वो उस जो वो उत्पादन करते थे उसका सही फायदा नहीं उठा पाते थे, और अधिकांश जनसंख्या गरीबी की जीवन रेखा पर गुजर रही थी। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। जब आपका क्वेश्चन आता है कि सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा कीजिए या सल्तनतकालीन आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए, एग्जामिनर किसी भी दृष्टि से इसको पूछ सकता है। या आपके शॉर्ट नोट में आ सकता है कि सल्तनत काल में कृषि के विवरण दीजिए या सल्तनत काल में व्यापार वाणिज्य का विकास के बताइए, तो ये चैप्टर आप इस चीज़ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।